नमस्कार, मेरा नाम गौरव चौहान और मैं आयुष मिनिस्ट्री से सर्टिफाइड योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर और एक योगा थेरेपिस्ट भी। चलिए आगे का अभ्यास अब यहाँ से पीठ के बल लेटकर होगा। उसके लिए आप रोल हो जाएंगे, इसको बोलते हैं सुपाइन लाइन पोस्चर। और सुपाइन लाइन का रेस्टिंग होता है शवासन। तो शवासन में तो जब भी पोस्चर चेंज होगा, जैसे मैंने पहले बताया, हर बार कोशिश करें कि एक रिलैक्सिंग पोस्चर से चलें। तो शवासन में हथेली आसमान की तरफ, पैरों में गैप, हेड इन लाइन विद द स्पाइन। तो ये हमारा बिगनिंग हो गया। अब शुरू में सबसे पहले लेग रेजेस, जिनको उत्तान पादासन या अर्ध उत्तान पादासन बोलते हैं। कैसे होगा? हथेलियां पाम्स नेक्स्ट टू योर थाइस, पाम्स फेसिंग डाउनवर्ड, टोज परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, शरीर एकदम सीधी लाइन में। एक बार में एक पैर उठेगा, सो ब्रीद इन राइट लेग अप। अब जितना संभव हो सीधा लेते आए, ठीक है? अच्छा, कभी कभी ऐसा लगेगा कि ये लेग इतना आसान से नहीं उठ पा रहा है, आधा पैर बेंड हो रहा है, तो कोई बात नहीं, उसको सीधा करने के लिए दूसरी लेग को मोड़ा और फिर आप देखेंगे सीधी हो पाएगी। फिर आप इसको नीचे ऊपर चलाएं, एक दो तीन, और इस प्रकार चार से पांच का राउंड करेंगे। हिप्स को थोड़ा सा दबा के रखेंगे, नितंबों को दबा के। एक साइड हुआ, पैर को जाने दिया, अब दूसरी तरफ भी। अब राइट को मोड़ लिया और लेफ्ट लेग को ऊपर, एक दो तीन चार और पांच। इस प्रकार आप अपने पैरों को, अपने हैमस्ट्रिंग्स को स्पेशली ताकत दे सकते हैं। और अगर इसी को आसन के तरह करना है तो एक पैर लाके बस रोक लिया, स्टे हियर, कीप ब्रीदिंग। अच्छा, दूसरा पैर उठना चाहेगा, उसको हम दबा के रखेंगे, है ना? फिर वापस दूसरे पैर में लेफ्ट लेग अप। आसन में और एक क्रिया में क्या फर्क है? क्रिया चलायमान है, चलती रहती है, और आसन में आपको स्टेबिलिटी लानी होती है एंड रिलैक्स। अर्धोत्तान पादासन। अब हाफ किया है तो फुल भी जरूरी है। अब दोनों लेग रेजेस, है ना, उत्तान पादासन, अलग अलग डिग्रीज हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री ग्राउंड से डिस्टेंस आपका। तो 30 डिग्री कब हुआ? जब दोनों पैर जुड़े हैं और आपने बस थोड़ा सा उठा लिया, 30 डिग्री। आपकी आंख की लाइन में नहीं आ पा रहे हैं आपके पैर, 30, 60 आप अपने पैरों को देख पा रहे हैं, है ना? और 90 डिग्री जब एकदम सर के ऊपर आपको ऐसा लगे कि यहाँ से स्ट्रेट लाइन बन गई है, है ना? इसमें गर्दन और कंधा रिलैक्स रखेंगे। अब अगर आई एम गोइंग बैक, वापस रख रहा हूँ, अगर मान लीजिए हम नए हैं, अभी बिगनर हैं, तो इसमें दोनों लेग एक साथ नहीं उठ पाएंगे, कोई बात नहीं। और अगर सारे डिग्रीज ना कर पाए, कोई बात नहीं, 60 पे पहले एक पैर उठाया फिर दूसरा उठाया, यहीं रहें, थोड़ी देर रहें, करीब 30 सेकेंड हो पाए बहुत है। क्योंकि अगर हम बिगनर हैं तो अगर हम देखें पैर एकदम से नीचे जब जाएं, ऊपर तो आ गए, अब नीचे जाने में ऐसे एकदम ठक करके, ऐसे ढप करके आवाज़ आएगी, वो नहीं करना है। एक बार ऊपर आए तो जितना हो सके कंट्रोल के साथ धीरे 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 पैरों को नीचे रखें और फिर विश्राम करें। और इसमें श्वास चलती रहेगी, श्वास रोकनी नहीं है, है ना? बहुत बार गलती होती है, हम श्वास रोक लेते हैं, ठीक है? उत्तान पादासन। चलिए अगला अभ्यास है सेतु बंदासन, ब्रिज पोज। कैसे होगा? पैरों को जोड़ेंगे, ब्रीद इन करते हुए दोनों घुटनों से मोड़ते हुए, पैरों में हिप्स जितना गैप। अगर तो जो आपके पैर हिप और हील एक दूसरे के आसपास आ पाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आ पा रहे हैं, अगर आप यहाँ हैं, कोई बात नहीं, अपनी पैर की उंगली, अपने हाथ की उंगलियों को पैर की हील के पास लाने की कोशिश करें, यह आपको बैलेंस देगा। और जो जो कर पाए हील के नीचे अपने उंगलियों को दबा लें, इफ पॉसिबल, है ना? और यहां से एज यू ब्रीद इन, हाथों से जमीन को पुश करते हुए हिप्स और चेस्ट को उठा लेंगे जितना संभव हो।
अब ध्यान अपने घुटनों पर कि घुटने पंजों को क्रॉस ना करें, तो उसके लिए और थोड़ा चिन के पास चेस्ट को लाएंगे और श्वासें चलती रहें। ध्यान अपने एब्डोमिनल पर, अपने पेट पर लगाएं। ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हुए उसे देखें। स्माइल ऑन द फेस, दोनों कंधों पर बराबर वजन, दोनों पैरों पर बराबर वजन, हाथों से जमीन को पुश करते हुए और बहुत आराम से वापस आए। ऐसा आप 2 से 3 बार कर सकते हैं 20 से 30 सेकंड के लिए रुक रुक कर, है ना। और फिर पैरों को जाने दें, रिलैक्स कराएं, हथेलियां आसमान की तरफ, विश्रांति या शवासन जैसी स्थिति में विश्राम करें। चलिए, ये हो गए हमारे 3 अभ्यास पीठ के बल लेट कर। एक चौथा अभ्यास होगा पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन कैसे? पैरों को जोड़ा, हथेलियां जंघा के पास ही रहें। अब पैरों को दो तरीके हैं, या तो सीधा घुटनों को मोड़कर चेस्ट के पास लाएं, दूसरा तरीका अगर संभव हो तो पैरों को पहले सीधा 90 डिग्री उठाकर फिर घुटनों को चेस्ट के पास लाकर जितना संभव हो हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करें और नीज को चेस्ट के पास लाते जाएं। अच्छा, जिन्हें सर्वाइकल की तकलीफ होगी वो सर नहीं उठाएंगे, पर जिन्हें नहीं है वो ब्रीद इन करते हुए चिन टू योर नीज। और यहाँ पे जितनी देर रह सके रहें, 30 से 40 सेकंड तक बहुत रहेगा वैसे। पैरों के पंजे एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे और नी जितना पास आ सके तो उसके लिए एल्बो टू एल्बो टच करके भी कर सकते हैं। आगे पीछे हल्का हल्का रोल हो, लेफ्ट राइट हो, और जब ब्रीद आउट करते हुए सर को पहले लगाएं, फिर हाथों को जाने दें और फिर पैरों को वापस पूरी तरह से रिलैक्स करा दें। विश्राम। चलिए, अंतिम अभ्यास पूरे शरीर को, जिससे इससे पहले कि हम शवासन में जाएं, एक बार पूरे शरीर को तान लेंगे, है ना। इसे अलग अलग स्कूल में अलग अलग नाम से जानते हैं, कहीं यष्टिका आसन बोलते हैं, कहीं तान आसन बोलते हैं। तो हम तान आसन बोलेंगे क्योंकि सिंपल है। पाम्स फेसिंग डाउन, टोज परपेंडिकुलर, ब्रीद इन किया, श्वास भीतर, हाथ सर के ऊपर, पंजे नीचे की तरफ। अब शरीर 2 दिशाओं में, एक बार नीचे की तरफ खिंच रहा है और एक बार ऊपर की तरफ। लोअर बैक उठेगी, उसको दबा के रखेंगे, पुश द लोअर बैक डाउन, फ्लैट करेंगे उसे। ब्रीद इन ब्रीद आउट करें, और खिंचाव और खिंचाव, डीप ब्रेथ इन, पूरी श्वास छोड़ते हुए हाथों को पैरों को वापस अपने ओरिजिनल स्थान पर लाके रखें। पैरों में गैप करें, सीधा शवासन में जाएंगे। इसके बाद शवासन सभी प्रैक्टिसेस के बाद बहुत ज़रूरी है, है ना। और ये आपको शारीरिक रूप से तो ताकत देता ही है और आपको वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लगता है, जो भी थकान होती है उसको भी दूर करता है, है ना। तो शवासन ज़रूर करें। कैसे होगा? लेग्स अपार्ट, पाम्स फेसिंग अप, सो पैरों में इतना गैप कि आपकी जंघा एक दूसरे को छू ना पाए, हाथ शरीर से इतने दूर कि आपके कांक जो अंडर आर्म्स हैं उसमें भी हवा आती जाती रहे, सर आपका मेरुदंड आपकी स्पाइन की लाइन में, और आंखें कोमलता से बंद कर पूरे शरीर को ढीला छोड़ के शवासन में विश्राम करें। अच्छा, श्वासों पे ध्यान लगाएं, श्वास देखें किस प्रकार चल रही है, आती जाती श्वासों को देखें, और कुछ देर बाद ध्यान अपने आसपास की आवाज़ों पर लगाएंगे और देखेंगे कि मन शांत हो पा रहा है। ऐसा 5 मिनट तक करें और उसके बाद बहुत आराम से बाईं या दाईं तरफ का करवट लेकर वापस आ जाएंगे, है ना। वापस आने के लिए सिंपल है, यू टर्न टू अ साइड एंड देन जस्ट सिट अप। कभी भी सीधा ऊपर नहीं उठेंगे, साइड से मुड़कर ही ऊपर उठना है। इस प्रकार हमारा सत्र हुआ यहाँ पर संपन्न। चलिए, यहाँ पर हमारा बिगनर सेशन खत्म होता है। आई होप आपको ये सब समझ आए हों,
है ना, आप वापस जा जाकर देख सकते हैं पिछले वीडियोस में भी, और जहां जो समझ ना आए हमें मैसेज डालकर पूछ सकते हैं, हम दोबारा वीडियोस बना सकते हैं आपके लिए, है ना। अपने शरीर को स्फूर्ति प्रदान करें, योगाभ्यास करें और रोज़ करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद, हरिओम तत्सत।